好吧。अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। आज इधर काय को आना हुआ? अरे आपा, अट्ला वर्षों थी सबन छे, 60 वर्ष थी ओरखा। अच्छा, तो चुनाव के टाइम में रिश्ता याद आया? अरे आपा, आ समाज सेवा ना कामों में थी समय न तो मरतो। या अल्लाह, इतना झूठ। समाज सेवा? काय की समाज सेवा? बोलो, मुंह उठाकर चले आए हो आप? तीन तलाक बोलकर मेरा शौहर बीच रास्ते पर हमें छोड़कर चला गया, तब कहाँ गई थी तुम्हारी समाज सेवा? शर्म हया कुछ बचा है या वोट बैंक के चक्कर में सब कुछ बेच आए हो तुम लोग? अरे पैदा होते लड़कियों को इस लाली लिपस्टिक के चक्कर में डाल देते हैं हम लोग, कहीं इसका निकाह न रुक जाए। हमारी औरतों का सिर्फ एक ही शौक रहता था, निकाह। चैन की नींद भी नसीब नहीं होती थी, अगर दो वक्त की रोटी ठीक से बनाकर नहीं दी तो तलाक हो जाएगा। थोड़ी सी मोटी क्या हो जाती है औरतें, रात को सपने भी तलाक के आने लगते हैं। वो तीन लफ्ज नहीं, जहर था जो हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना देता था। कभी उन काले बुरखों में भीगती हुई आँखों की फिक्र थी? और क्या बोल रहे थे उस मोदी जी को, हमारे लोगों का पैदाइशी दुश्मन? हाँ, अरे उन्हीं की वजह से तो आज तीन तलाक से आजाद हुए हैं हम, वरना हम मर मर के जी रहे थे। उस मोदी जी के कारण तो इस बात की तसल्ली है, जो हम पर गुजरी है ना, वो हमारी बेटियों पर नहीं गुजरेगी। मैं तो सारी मुसलमान औरतों को कहने वाली हूँ, इंशाल्लाह हमारा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा।